घर के लिए बादाम लिया जा रहा है, 1 किलो बादाम लिया है। इसका प्राइस यहाँ पे लिख दूंगा 14,000, तो मान तो अपने हो गए यार 50 रुपए के करीब बड़ी बॉटल। आइसक्रीम खा रहे हैं हम सब लोग, हुसैन भाई, मोहन व्यस्त है आइसक्रीम खाने में और ये आइसक्रीम खाई जा रही है। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही एक स्पेशल और मेरे जिगरी अभी दोस्त कह सकता हूँ उनसे मिलाना चाह रहा हूँ। ही इज़ हुसैन, हुसैन भाई हैं। एंड मैं आपको देता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन। जाबिर जो थे याज्द में उनके भाईजान हैं, तो हुसैन इज़ वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। भाई पहले सिविल इंजीनियर रह चुके हैं और दुबई में काफ़ी जगहों पर काम कर चुके हैं, और भाई के भी हम घर में बंदर आबास में और मैं 2-3 दिन से हूँ, और भाई ने ऐसा ट्रीट करा ना, मैं सच बताऊं लाइक यू आर लाइक लिटरली माय लाइक माय बिग ब्रदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हुसैन दैट्स मी कन इज अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और उनके नो प्रॉब्लम, इनकी वाइफ से भी मिलाऊंगा। एंड ये इनके बेटे हैं और बेटे के दोस्त हैं, दिस इज मातीन। मातीन भाई हैं, मातीन भाई एक्चुअली रैपर हैं, और इन्होंने मेरे को अपना रैप दिखाया था जो विच आई लाइक्ड योर रैप द अदर डे व्हेन यू शोड यू लाइक। तो भाई का ना, भाई का भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक में डाल दूंगा, तो चेक कर लेना आप अगर करना चाहते हो। और ये भाई लोग हैं, ये दोस्त हैं, ये पहले प्ले स्टेशन खेल रहे थे। विच गेम वर यू प्लेइंग? मॉर्टल कॉम्बैट, GTA? अरे GTA तो हम भी खेलते हैं। और ये हैं मोहन भाई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मोहन सबसे छोटे हैं यहाँ पे, छोटे भाई हैं मातीन के। और मोहन इज फ्रॉम गुजरात। एंड बहुत ही मेरे को ना बहुत ही घर जैसी फीलिंग आई है यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड कैन इंट्रोड्यूस अफसान आल्सो? अफसान, यस यस। एंड दिस इज अफसाना, हुसैन की वाइफ है। एंड सबसे अच्छा, यू मेक द बेस्ट फूड आई एम सेइंग। थैंक यू वेरी मच। तो अभी थोड़ी देर में हम बाजार जाएंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। यार चाय पी जा रही है, चाय बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है ईरान में, नाश्ते से पहले चाय, डिनर में हर टाइम चाय होती है, जो मेरे को भी अच्छी लगने लगी है। चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। भाई ये जो भाई है ना, ये ऐसे सोते हैं, ये ऐसे दिखा रहे हैं, देखो भाई ऐसे कौन सोता है। भाई यहाँ पे बंदर अब्बास के बाज़ार में है, और थोड़ी शॉपिंग करनी है अभी, क्योंकि अपने वतन हम कुछ टाइम में चले जाएंगे, तो माता श्री ने बोली है कि कुछ शॉपिंग करनी है। यार किसी भी एलिमेंट ऑफ मेरे ट्रैवल में एक टाइम आता है जब मेरे घर से कॉल आ जाता है कि भाई सामान लेकर आना है घर पे, नहीं तो आना मत। हेलो मोहन, दिस इज कोयला। तो मैं जैसे कह रहा था कि शॉपिंग करनी पड़ती है, नहीं तो घर पे हमें इजाज़त नहीं मिलेगी। मजाक कर रहा हूँ यार, जान तो लेनी पड़ती है। और बाजार यार थोड़ा सा क्राउडेड होता है, तो माइंड करना अगर मैं बीच बीच में रुक जाऊँ। तो शॉपिंग करनी है हमने, और मैं आपको प्राइसेस बताऊँगा कि आप क्या क्या खरीद सकते हो, हाउ एक्सपेंसिव और हाउ सस्ता इज ईरान फॉर अस इंडियंस, बिकॉज ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैंने वीडियो नहीं बनाई। यार पूरे बाजार में यहाँ पे सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ, अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वूट्स। काफ़ी पुराना बाजार है जैसे हुसैन भाई बता रहे हैं मेरे को, और यहाँ पे लोग ना आप देखोगे इनकी वेशभूषा काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे काफ़ी लोग पाकिस्तान के भी आते हैं। मैं बताता हूँ, डांस देखा ना, वो बंदरी डांस था, यहाँ का फेमस, जहाँ पे बंदर आबास में है वहाँ पे बंदरी लोग होते हैं। यहाँ पे पूरे साउथ में आपको बंदरी लोग मिल जाएंगे, और इनका डांस कुछ ऐसा होता है, और जो क्या कहते हैं, जो महिला आके डांस करने लग गई थी कुछ टाइम पे, उनको हटा दिया क्योंकि इनके कल्चर के अगेंस्ट है यार वो। तो
मेरे को ये समझ आ गया था कि उन लोग क्यों मना कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे काफ़ी लोग पाकिस्तान से हैं, बिकॉज एक प्रोविंस है सिस्तान एंड बलूचिस्तान, जहाँ पे मेरा जाने का मन था, बट अभी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से भी, यहाँ से भी करीबन 700 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट टाइम ईरान तो आना ही है, ईरान ऐसी कंट्री है जिसमें मैंने आना है बार बार, तो अगली बार जाएंगे। घर के लिए बादाम लिया जा रहा है, 1 किलो बादाम लिया है। इसका प्राइस यहाँ पे लिख दूंगा, 750 रुपये के करीब है यार। अपने इंडिया में तो मामरा बादाम काफ़ी महंगा है, वॉलनट ये सब है, वॉलनट का सेम प्राइस है 750 रुपये। और काफ़ी चीज़ें हैं, या 750 रुपये का है ये वाला वॉलनट। और यार ये ईरान में ये चॉकलेट वॉकलेट भी मिल जाती हैं, अभी ख़रीद सकते हो, अपने इंडिया की सेम प्राइस है यार ये, अपने बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट मिठाई और मीठा काफ़ी फेमस है ईरान में, किशमिश भी ली जा रही है। किशमिश अपनी पड़ेगी कितनी, ऑलमोस्ट मान लो ये 375 रुपीस की 1 किलो। सुपरमार्केट में आए हैं, थोड़े प्राइस चेक करूँगा मैं और आपको प्राइसेस बता दूंगा। वैसे यार प्राइसेस अपने इंडिया के काफ़ी सिमिलर हैं, जो सुपरमार्केट्स में देखोगे कुछ कुछ चीज़ों के प्राइस सस्ता होगा बट काफ़ी सेम है, मत यूँ मान लो 10 या 15% ही कम होगा। दिखाता हूं, जैसे दूध है, एंड हाउ मच विल मिल्क बी, मिल्क और दूध भी, इट इज़ फॉर 12,000 तुमान। तो यार अपने 30-35 रुपये हो गए, 30-35 रुपये हुए। एंड दूध, दूग दूग यार अपने लस्सी जैसा होता है, इट इज फॉर 15,000 तुमान, तो वही अपने 40 रुपए के करीब हो गया। और पनीर, इनके यहाँ पे भी पनीर होता है, पनीर थोड़ा सॉल्टी वाला होता है। The most expensive one, this is Ruzan, Ruzan is 36,000 tuman, तो अपने 80 हो गया, बट यार ये काफी ज्यादा है। और ये दूसरा पनीर है, अपने जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट पनीर है। और चीज़ें दिखाता हूँ यार, ईरान में ना अपनी पेप्सी खुद बनती है, बिकॉज सैंक्शन है, दिस इज मेड इन ईरान, इज अराउंड 14,000 तुमान, तो अपने हो गए यार 50 रुपये के करीब बड़ी बॉटल। अपने इंडिया में भी कितनी 60-70 रुपये की तो आती है पेप्सी, प्राइस इज सिमिलर टू इंडिया, वेरी सिमिलर टू इंडिया। This is how much? 1150. हाँ तो वही अपने 30-35 रुपये का कैन हुआ यार, लिखा मेड इन दुबई बट एक्चुअली ईरान में बनी है। ये भी है पनीर, ये है, हाउ मच इज पनीर, दिस इज द आई वुड से द एक्सपेंसिव वन, 173 फॉर पर किलो, 173,000 पर किलो, तो अपने 55-60 रुपये। ये जैसे अपने रशिया में सेमच की था ना, सनफ्लावर सीड्स, हाउ मच इज दिस, इट इज फॉर, ये कॉमन स्नैक है यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड, ये तो ईरान से बाहर का प्राइस, द प्राइस इज अराउंड, आई थिंक प्राइस इज रिटन, आई थिंक 25-30 रुपये का, 50,000 तुमान, हाँ 50,000 तुमान, यस 50,000 तुमान, वो इतना ही हो गया। ऐसे चॉकलेट सब कुछ मिल जाता है यार यहाँ पे, बाहर की आइटम महंगी है, ईरान मेड सस्ती होती हैं, बहुत सारी आइटम है। चिप्स, ये तो इंडियन लिखा है भाई, इंडियन नहीं है, ईरानी मेड है। चिप्स का बड़ा पैकेट आ जाता है यार ऐसे 30-40 रुपये का। शॉप में ना मैंने फिल्मिंग के लिए परमिशन ली है, आप ईरान में ऐसे शॉप में परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यार ऐसे शूट नहीं करने देते, वैसे सुपरमार्केट्स में वैसे ही नहीं शूट करने देते, तो मैंने परमिशन ली है। और अब ऊपर वाली आइल में आए, यहाँ पे शैम्पू वैम्पू के प्राइसेस बताऊंगा मैं आप लोगों को। ईरानी शैम्पू हैं, यूजुअली दुबई और इंडिया से भी आते हैं, हाउ मच इज़ इट, 43,000, 43, हाँ 46, यार अपने वही प्राइस हो गए 100-150 रुपये, 46 सेम प्राइस है, 23 सेम प्राइस है, इन इंडिया हेड एंड शोल्डर इट इज 99,000, 98, वही ये थोड़ा महंगा है, ये 250 रुपये का है, बाहर से आता है ना, जो बाहर से आता है वो महंगा है ईरान में, सारे अप्लायंसेस बेसिक डेली नीड की चीज़ों के लिए सबके लिए महंगा हो जाता है जो बाहर से आता है।
दुबई और इंडिया से आता है मोस्टली यार। तो सुपरमार्केट के मैंने कुछ प्राइसेस दिखा दिए, अपने इंडिया से काफ़ी सिमिलर हैं यार। और बड़ी या छोटी मार्केट में जाओ, यहाँ पे फिक्स प्राइसेस होते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना मैंने काफ़ी वीडियोस में शेयर करा है, क्योंकि यार मैं मोस्टली घर पे खा रहा होता हूँ। जब से मैं ईरान आया हूँ ना मैंने अकोमोडेशन ली है कहीं, तो उसके प्राइसेस ना मैं घर जाके बताऊंगा। ये थोड़ी सी इनफॉर्मल सी वीडियो हुई है, मैं ढंग से बता नहीं पाया, बिकॉज यार आप सुपरमार्केट में ना ढंग से प्राइसेस बता नहीं पाते हो। और ट्रांसपोर्ट का क्या है मैं थोड़ा सा थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी गाड़ी में बैठते हैं। वी गो फॉर आइसक्रीम, ओके 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 ओके। आइसक्रीम खरीदी जा रही है, और ना ईरानी लोग मीठे के बड़े शौकीन हैं, तो आइसक्रीम चाय तो चलती रहती है। सेम प्राइस है भाई अपने इंडिया का, ज़्यादा महंगा नहीं है। आइसक्रीम खा रहे हैं हम सब लोग, हुसैन भाई, मोहन व्यस्त है आइसक्रीम खाने में, और ये आइसक्रीम खाई जा रही है। कितने की थी? एक आई 1,20,000 रियाल की, तो हुआ अपने कितने 50 रुपये करीब एक। तो ठीक है यार, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, बढ़िया है, मतलब काफ़ी सही है। यार आप में से काफ़ी लोग पूछोगे कि पानी का प्राइस क्या है। ये छोटी वाली बॉटल 40,000 रियाल की आई, तो अपने कितने हो गए 10 रुपये की, मतलब वही इंडिया वाला प्राइस है। और काफ़ी जगह जैसे तेहरान में तो माउंटेन से वाटर आता है, तो वो आप टैप वाटर भी पी सकते हो, बट बंदर आबास में नहीं पी सकते। तो पानी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। मोहन को भी देख लो और हुसैन भाई को भी देख लो, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गाड़ी चला रहे हैं, खेत टूकी तो हम सब लोग फार हो जाएंगे। ये मेरा फेवरेट डायलॉग बन गया, अब चलो चलते हैं। बात हो रही थी गाड़ी ठोकने और फार होने की, तो मैंने बोला भाई तीनों अगर हम लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट रहे ना तो अल्लाह के मेहरबान हो जाएंगे। और यहाँ पे भी उर्दू और हिंदी में वर्ड्स थोड़े सिमिलर हैं, तो यू से खुदा मेहरबान। तो भाई समझ गए कि मैं क्या कह रहा था। और आपको बता दूं, क्योंकि यार मैं तो मोस्टली ईरानी लोगों के घर में ही रहा हूँ, तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन इन सिटी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट आप स्नैप ले सकते हो, स्नैप इज़ गुड इन ईरान, आप उससे काफ़ी चीज़ें बुक कर सकते हो। स्नैप करना ही पड़ेगा आपको डाउनलोड। और लाइक डू यू नो व्हाट इज़ यूजुअली द प्राइस फॉर स्नैप, लाइक फॉर इफ़ यू टेक फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, इट्स कम टू 15,000 तुमन मैक्सिमम। Inside the city it takes maximum 20,000 to 25,000 tuman. Maximum. Inside the city, yes. But it depends from city to city. Yes, yes. Like in Tehran, I think it was most expensive. Yes, but not too much. It's almost the same, but yes, Tehran is a little bit expensive. Yes. What you go? So, yaar, टैक्सीज आप ले सकते हो, मैं कहूँगा टैक्सीज, क्योंकि अपने इंडिया में ना ऊबर बहुत महंगी है, तो टैक्सीज अपनी यहाँ पे ठीक है, सस्ती हैं मेरे हिसाब से, टैक्सीज आप ले सकते हो। स्नैप मैंने जहाँ तक ली हैं तेहरान में काफ़ी महंगी मैंने ली थी, आई थिंक मैक्सिमम मैंने आज तक 250 रुपये दी हैं। बट उसके अलावा अगर आप 5 से 10 किलोमीटर के लिए भी लोगे तो 50-60 रुपये दोगे आप। और बसेज आप ले नहीं पाओगे यार, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने मेट्रो ली थी तेहरान में एंड शिराज में, आई टुक मेट्रो इन तेहरान एंड शिराज एंड इस्फहान एज़ वेल। इस्फहान आई डिडंट टेक मेट्रो इन इस्फहान, यू डिडंट टेक, बट इट हैज़ इन तबरीज आल्सो, यस बट तबरीज मेट्रो वाज़ क्लोज्ड। तो उसका मैंने दिया था पर टिकट 20,000 रियाल, तो कुछ नहीं है वो 5 रुपये, तो ठीक है। The metro is quite cheap, like yes, I would say. It's pretty good. Yes. Metro काफी सस्ती है। अब बाकी आगे 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 कितनी बात करूँगा आगे। روشن از تو سرنوشت من بخون ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان ای دشمن ار تو سنگ خاری من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیش هم مهر تو چون شد پیش هم دور از تو نیست اندیشه هم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد جان این پاینده باد خاک ایران ما. خب این هم یه خواهد این गाइस इस वीडियो को मैं सुबह कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को हम लोग आ गए थे और सो गए थे, बातचीत चल रही थी कि मेरा आज एक्चुअली लास्ट डे है, मैं कल दुबई एमिरेट्स के लिए निकल जाऊँगा। कैसे निकलूँगा और क्या निकलूँगा वो बाद में बात करेंगे यार, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको प्राइसेस बता रहा था चीज़ों के, शायद ये वीडियो में कंटिन्यूटी ख़राब हो गई, बट मैंने आपको खाने पीने का प्राइस बता दिया था। खाना पीना यार आप काफ़ी सस्ते में कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स भी जाओगे, मतलब आप अगर छोटे रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे आप 40-50 रुपए में भी खा सकते हो, और अच्छे में भी जाओगे तो 150-200 में खा सकते हो आराम से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि मैं काफ़ी टाइम ईरानी लोगों के घरों में रहा हूँ तो मैं उनके साथ खाया हूँ घर पर। और फिर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप सिटी से सिटी बसेस ले सकते हो, और बसेस यार बिल्कुल ही, यहाँ पे ना कहते हैं अली, बिल्कुल ही बढ़िया थी बसेस। तो बसेस यार मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा पे कब करा है, मैंने 700 किलोमीटर की बस ली थी अभी शिराज से आई थिंक यहाँ की, और मैंने पे करे थे $4, तो मतलब 300 रुपये फॉर 700 किलोमीटर। और लग्जरी बस होती है यार, पूरी USB केबल अपनी पुट करने का होता है, सब कुछ होता है, और खाना पीना भी कभी कभार देते हैं। उसके अलावा ट्रेन्स मैंने नहीं ली क्योंकि ट्रेन्स बुकिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरे राउट पे ना ट्रेन मिली नहीं मेरे को, तो ट्रेन मेरे को नेक्स्ट टाइम लेनी पड़ेगी जब मैं ईरान आऊँगा, क्योंकि मेरे को ट्रेन एक बार लेनी है अपनी लाइफ में ईरान में, तो वो अगली बार कर लेंगे। उसके अलावा इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन बोलूँ तो आप स्नैप यूज़ कर सकते हो। स्नैप यहाँ पे जैसे उबर होता है वैसी यहाँ पे स्नैप है, और स्नैप काफ़ी सस्ता है, मैंने शायद पहले भी बताया था। स्नैप मतलब आप 8-10 किलोमीटर की टैक्सी लोगे तो करीबन आ जाएगा 40-50 रुपये, 60 रुपये बिल आएगा आपका। तो अपने इंडिया से कंपेयर करूँ तो ये चीज़ें सस्ती हैं। तेल यहाँ पे काफ़ी सस्ता है भाई, तेल यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना है मेरे को पता है, 3000 तोमान, तो मतलब 30,000 रियाल, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 7-8 रुपये पर लीटर। तो यार ये तो मतलब सस्ता है, मोदी जी क्या हमारा 115-120 रुपये पर लीटर हो चुका है अब। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तेल अभी एज ऑफ दिसंबर 2021 बोल रहा हूँ, आप हो सकता है आप लोग 2-3 महीने बाद देख रहे हो, उस टाइम तक तो हो सकता है अलग ही रॉकेट पे पहुंच चुका हो। ट्रिप में मेरा कैलकुलेट कर रहा था कि मेरा कितना खर्चा हुआ है अभी तक, तो मैंने पूरे महीने में ऑलमोस्ट कुछ नहीं खर्च कराया, $150 खर्च कराया, 150 के करीब, 150, और मैंने शॉपिंग करी है, मैं शॉपिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो फैमिली के लिए मेरे $150 खर्च हुए हैं पूरे मंथ में। तो कुल मिला के आप मान लो कि मैं $5 पर डे पे मैंने सर्वाइव कर लिया है, सर्वाइव किया, बहुत ही अच्छी तरह जिया हूँ, क्योंकि मैं अभी भी देख लो आप, मैंने हॉस्टल अकोमोडेशन ली ही नहीं ईरान में, बिकॉज ईरान में हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे यार $3-4 में मिल जाएंगे, वही 200-300 रुपये में मिल जाएंगे, बट ईरानी लोगों के घरों में रहा हूँ, और वो कैसे रहा हूँ, काउच सर्फिंग की वजह से। तो मैंने अकोमोडेशन बता दिया, ट्रांसपोर्ट बता दिया, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, खाना पीना, यहाँ पे सुपरमार्केट्स हर जगह हैं यार, ईरान काफ़ी मॉडर्न है, आपको सुपरमार्केट्स हर जगह मिल जाएंगी, और प्राइसेस मैं कहूँगा यार अपने इंडिया से 20-25% कम है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रही है। चिप्स का पैकेट खरीदोगे तो 15 रुपये का आ जाएगा बड़ा वाला, 15 या 20 रुपये का, आइसक्रीम खरीदोगे 10 रुपये की इतनी आ जाएगी बड़ी वाली। तो ईरान अपने इंडियंस के लिए काफ़ी सस्ता है मैं कहूँगा, तो आओ घूमो आराम से। उसके अलावा एक दो चीज़ों का और प्राइस बता देता हूँ, वीज़ा मेरे को 60 यूरो का मिला था, तो करीबन 5,000 रुपये का, और आप सिम कार्ड ले सकते हो, वो मैंने $8 का लिया था टूरिस्ट सिम कार्ड, और उसको टॉप अप कर सकते हो $3 में, जिससे आपको 24 GB मिलता है डेटा। तो बस इतनी थी चीज़ें, अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी कंटिन्यूटी ख़राब हो गई,
बट ट्रैवल करते वक्त यार हर जगह हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकती ना, हम परफेक्ट नहीं है। विद दैट सेट झोले पैक्ड हैं, थोड़ी देर में निकलना है, नेक्स्ट स्टॉप दुबई। कैसे जाएंगे दुबई वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। विद दैट सेट आई विल साइन ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों ने सबने ईरान सीरीज इंजॉय करी है, कॉमेंट में लिखना। ईरान इज़ वन ऑफ माई बेस्ट कंट्रीज अभी तक और मेरे एक्सपीरियंस एकदम आला लाजवाब रहे हैं। बस इतना ही, बाय बाय।